गुरु प्रकाश जी के पास चलता हूँ। गुरु प्रकाश जी मुझे बताइए, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को गद्दार नहीं मानता। हर राजनीतिक पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपने कार्यक्रम के आधार पर वो चलती है। गुरु प्रकाश जी मुझे बताइए, क्या जिन्ना का विवाद, जिन्ना का विवाद? अब सुरेन जी आप भी वही कर रहे हैं जो दूसरे लोग करते हैं, जिस पर आप आपत्ति कर रहे हैं। इसलिए मेरी बात भी सुन लीजिए, गुरु प्रकाश जी की भी बात सुन लीजिए। गुरु प्रकाश जी बताइए, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बात अभी सुरेन्द्र सिंह राजपूत जी ने कही कि इस चुनाव में जिन्ना और सावरकर का कोई काम नहीं, क्यों भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तूल दे रही? नहीं, देखिए दीपक जी, सुरेंद्र सिंह जी एक परिपक्व प्रवक्ता हैं और इस प्रकार की असंसदीय और अमर्यादित भाषा का उपयोग आमतौर पर नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही उचित सवाल उठाया है कि 2014 के बाद भारत की राजनीति में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जब भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करती है उसमें डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल कॉलेज की बात आप फिर आप बीच में नहीं बोलेंगे सुरेंद्र जी, तो अच्छा रहेगा। बीच में मत बोलिए सर, मैं आपकी बीच में नहीं बोल रहा था। नहीं, मैंने सिर्फ आपको सफाई दी, मैं आपको बीच में नहीं बोल रहा हूं। पॉजिटिव डिस्कशन लेके आया है डेवलपमेंट पे, आप फिर आप बीच में बोल रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद सुरेंद्र जी, आप थैंक यू सुरेंद्र जी। देखिए आज बीजेपी उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में मेडिकल कॉलेज की बात कर रही है, एक्सप्रेसवे की बात कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए उचित सम्मान और भागीदारी की बात कर रही है। हम तो इसमें चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम तो अपने 4 साल के रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम तो प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों से उत्तर प्रदेश के लोगों को सावधान रहना चाहिए। और यही कारण है 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, इस प्रकार की सांप्रदायिक ताकतों को उत्तर प्रदेश की जनता हाशिए पर लाकर के खड़ा कर दिया है। और भारत के इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, लोहिया जी का एक बहुत प्रमुख निबंध है, बहुत लोकप्रिय निबंध है, राम कृष्ण और शिव। मैं सारे के सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं को बोलता हूं कि कम से कम इस लेख को पढ़िएगा और इस लेख को पढ़ के यह भी याद करिएगा कि 1990 में राम भक्तों पर गोली चलवाई थी आप लोगों ने, और इतिहास याद रखेगा आप लोगों को कि इस प्रकार तुष्टिकरण की राजनीति। आजम खान का बयान भूल गए हैं क्या? आजम खान का बयान भूल गए हैं क्या? आजम खान, आप बोलिए, मेरा बीच में बोलिए, ये समाजवादी पार्टी की संस्कार है। आपके पास कोई तर्क और तथ्य नहीं है तो आप बोल रहे हैं, आपके पास कोई तर्क और तथ्य नहीं, आप बोलिए भैया। मैं देखिए आपको बोला है, उत्तर प्रदेश की जनता आपको आशीर्वाद पे लेकर के आ गई है ना, उत्तर प्रदेश अच्छा मैं दोनों को रोकूंगा अनुराग भाई, हर बार बीच में आप कहिए कहिए।